1975 में, और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया था। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं, उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी।